It's okay to talk. उफ, टायर को देखो धुआं। जान दे ड्राइवर ने गाड़ी पार लगाई। अब ड्राइवर पार कैसे आए? अब थोड़ा गाड़ी को लेके आ जाओ। रिशाद भाई क्या हाल है? ठीक हो? बढ़िया। अब थोड़ा गाड़ी को शेक चली इधर इधर ला, इधर से फिर ले जा। होगा कुछ नहीं, जूता गीला होगा इसको, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी को पानी में ना बहाव अच्छा है पानी का। हाँ हाँ ले, लेकिन इधर जैसे टप जाएगा, इधर खुला है ना, बहाव तो है पानी है। शुगर लेक नहीं। उधर से टप जाएगा। ये फिर जाएगा पानी? नहीं नहीं, शाबाश। कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। करो भाई, चलो भाई, जाम से था। बारिश नहीं लगती। अपनी लग गई वैन। पत्थर है ना इधर। सो गाइस, ये हमारी रोडों की हालत है। ड्राइवरों को बड़ी मुश्किल आती है, गवर्नमेंट इधर देखती नहीं है। उफ, टायर को देखो धुआं। शाबाश। ये पत्थर में नहीं डालता ना, फिर नहीं क्या। ये देख सकते हो गाइज, आप यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग दर बिदर हैं, मशीन यहाँ पे खड़ी है, लेकिन मशीन में तेल नहीं है, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है वो सोया हुआ है। लोग दर बिदर हैं, देख सकते हो आप, लोगों को बीवी बच्चे साथ में हैं, दर बिदर उधर गाड़ियों में सारे लोग दर बिदर हो रहे हैं। डीसी डोडा को यहाँ तो मतलब रिज़ाइन कर देना चाहिए, या फिर इन रोडों को देखना चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट पावर में है नहीं हमारे J&K में, तो सोचना चाहिए। क्योंकि देखो, यहाँ से ऊपर से दूसरी रोड बन रही है, तो ये लोग किसे इनको आबाद कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। आप इनको आबाद करो, हमें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं, आप रोड दे दो। तो हाँ, तो ये ऊपर वाली रोड जो है ये निकल रही है इधर धड़ाक के ऊपर से, इनको आबाद किया जा रहा है, लेकिन हमें बर्बाद किया जा रहा है यहाँ पे। आप इनको आबाद करो, हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड हर किसी को, हम कहते हैं घर घर दे दो, लेकिन देखो ऊपर काम लगाया हुआ है, सारा मलबा जो है वो यहाँ से नीचे फेंकते हैं ये, और इस मलबे की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे रोड की हालत। गाड़ियों की लाइन देखो, ऐसे तो लोग बारात में खड़े नहीं होते जैसे ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। ये लोग सारे इधर भी इधर हैं, सुबह निकले हुए हैं 5:30 बजे के, अभी 8 बज रहे हैं, मतलब 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे में गाड़ी हमारी रोड में, अगर रोड अच्छी हो, साफ हो, तो डोडा से वापस आ जाती है, लेकिन
अभी 2.5 घंटे से आप देख सकते हो लोग यहीं पे एक साइड से भी अभी पहुंचने में 1-1.5 घंटा और लगेगा इनको अगर गाड़ी यहाँ से निकलती है। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि आज यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। तो डीसी डोडा को ये और बाकी जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उन सबको ये इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए था पहले। लेकिन ये जो आपने यहाँ पे खस्ता हालत की हमारी रोडों की, इसका जवाब कौन देगा? तो अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डीसी डोडा और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। ये मलवना की रोड है, मलवना घुंदना को कनेक्ट करती है ये रोड। अभी हम धड़ाक में थोड़ा धड़ाक से इस साइड पोस्ता के पार वाली साइड पे हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो लोग दर भी दर हैं। मशीन खड़ी है यहाँ पे लेकिन मशीन में तेल नहीं है। मतलब देख रहे हो, मतलब वो लोगों का वो देख रहे हो कि मशीन तो है लेकिन मशीन में तेल नहीं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज़्यादा यहाँ पे ढीला है, बेकार है, घटिया है। डीसी डोडा को इस बात का जवाब देना चाहिए। ये सोशल मीडिया का वक्त है, आपसे कोई डरने वाला नहीं है या आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो लोग आपसे डरते हैं और आपको लोगों को जवाब देना होगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे किस तरह के ऊपर से रोड बन रही है, वहाँ से निकली है ये रोड और यहाँ से जा रही है कहीं और। मतलब कुल मिला के जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो पुरानी रोड है, पुरानी रोड को जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस पे जो रहते हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं और जो ऊपर वाले उनको आबाद कर रहे हैं। तो आप उनको भी दे दो, हमें नहीं, आप हर घर को रोड दे दो लेकिन जो हमारी रोड है उनको तबाह मत करो। आप इस रोड की हालत देख सकते हो किस तरह की है। ओके, तो मैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी बड़े बड़े अफसर है उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे टाइम पे तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे टाइम पे कहाँ होते हो। ये लोग ऐसे टाइम पे ना सामने आते हैं ना कुछ। इन लोगों को जब वोट चाहिए होते हैं या कुछ काम होता तो तब हमें अपना बाप भी बना लेंगे, लेकिन जब ऐसा टाइम आता तो ये कोई भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। और ये लोगों को लगता है कि पता नहीं बस कुर्सियों पर बैठ गए हैं तो बैठ के ये लोग वहाँ पर बस ये अफसर बन गए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके घर में जो दाल रोटी चलती है ना वो हम लोगों के दिए हुए टैक्स की वजह से चलती है। किसी के बाप पे एहसान नहीं लगा रहे हैं, चाहे कोई भी बड़ा अफसर हो जो मतलब कुर्सियों पे बैठ बैठ के हैं। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बाहर की स्टेट्स में या बाहर की कंट्रीज में जाके अच्छी अच्छी, और मतलब इनका रहन सहन भी आप देख सकते हो। लेकिन ये किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से। और हम लोग देखो क्या कहाँ दर बिदर हैं। ये लोग लाखों रुपए की तनख्वाह पाते हैं हमारे भरे हुए टैक्स की वजह से और हम इन लोगों की वजह से यहाँ पे कोई इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। गाड़ियों में कई सारे पेशेंट्स हैं, कई बच्चे हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई औरतें हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको इनको क्या है, इनको बस जब अपना टाइम होता तब तो ये हमें बाप भी बना लेंगे। खुद एसी की एसी के कमरों में बैठे होते हुए होते हैं, आराम आलीशान जगहों पे बैठे हुए होते हैं। सब हमारा ही टैक्स जाता जो हम लोग अभी यहाँ पे दर बिदर हो रहे हैं ना। जितने भी ये होते हैं बड़े बड़े अफसर, कहाँ से आती है इनकी तनख्वाहें? हमारे दिए हुए पैसे की वजह से। आप खाओ, आपका हक बनता है क्योंकि आप लोग वहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन काम भी तो करो। जिस काम के लिए आप पैसे खाते हो वो काम भी तो करो, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। बस हम लोगों को डेली दर बिदर करेंगे, इन रोडों को कोई नहीं देखता है। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को या तो ठीक होना चाहिए या इनको इस्तीफा दे दो। मैं तो कहता हूँ जिस हिसाब से हमारी रोडों की आजकल हालत है उस हिसाब से तो एडमिनिस्ट्रेशन के इन अफसरों को, जेई वगैरह जो भी हैं इस रोड पे या जो हमारे डीसी वगैरह हैं, उनको मैं जो इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं है इसके लायक वो।
इनको हमें छंदे करने पड़ते हैं, मतलब इनको हमने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कितनी रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं कि यार आप हमारी रोड को ठीक कर दो, जैसे पता नहीं कहीं हमने इनके टके खाए हों। फिर जाके बड़ी मुश्किल से ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ ऐसे आते हैं। ये ऊपर वाली रोड आप देख सकते हो बना रहे हैं, सारा मलबा नीचे वाली रोड में जा रहे हैं। इनके टिप्पर कहाँ होते हैं जब ये रोडें बनाते हैं, टिप्परों में उठा के ये नालों में क्यों नहीं डालते माल? लगे बोलने।